अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली यू ऑल डूइंग वेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ चिली चिकन ड्राई विद फ्राइड राइस, और मैं अपने बच्चों की हेयर केयर रूटीन कैसे करती हूँ वो आपसे शेयर करूँगी। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो आप मुझे दुआएँ देंगी इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो ये चिकन जो है ना, इसको मैंने बोनलेस कर लिया था। ऑलमोस्ट हाफ के जी चिकन है और इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो मैं सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस डालूंगी। इसके बाद तकरीबन 1 टेबल स्पून ही सॉल्ट है और तकरीबन 1 चम्मच जो है ना हम इसमें ब्लैक पेपर भी डाल लेंगे। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और इसी तरह 2 चम्मच जो है मैंने इसमें मैदा डाला है और 2 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर के डालेंगे। तो इससे जो है ना बड़ा क्रंची चिकन बनता है और बड़ा सॉफ्ट सा ना बहुत मज़े का लगता है। इवन के जब हम ग्रेवी भी इसमें ग्रेवी में भी इसको डाल देते हैं ना, तब भी ये बहुत ज़्यादा क्रंची क्रंची सा रहता है। तो इस मैरिनेशन को जो है ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे जो है ना मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी, तो वो 1 चम्मच के करीब जो है वो मैंने इसमें ऐड किया है। 10 से 15 मिनट में जो है ना इसको एक साइड पे रख देंगे और ये मैरिनेशन रेडी है। अब बारी आ जाती है वेजिटेबल्स को सौते करने की, और इसके साथ ही जो है ना मैंने राइस को बॉईल करने के लिए पानी भी रख दिया है ताकि जो है ना राइस भी साथ साथ ही कुक हो जाए। और ये जो है ना मैंने गाजर पहले डाली है क्योंकि ये थोड़ा देर से गलती है, तो हल्का सा ही बस इसको हमने फ्राई करना है। जूलियन कट जो है ना मैंने सारी वेजिटेबल्स ली हैं, और उसके बाद जो है मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगी, और बहुत ज़्यादा नहीं हमने इसको कुक करना, और स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो सारी वेजिटेबल्स हमने डाल देनी है। ज़्यादा कुक हमने इसलिए नहीं करना क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी और क्रंची क्रंची जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं राइस में। तो चाइनीज़ जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं ना बड़ी लेंथी होती हैं, तो मेरी ये कोशिश है कि मैं इसको जो है ना शॉर्ट करूँ और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी जो है ना वो लिमिटेड रखूँ ताकि हर कोई जो है ना वो इजीली अपने घर में बना सके। अच्छा, इसके बाद जो है ना मैंने इसमें डाली हैं सॉसेस, ये मेरे पास घर में पड़ी हूँ। ये हॉट सॉस और चिपोटले सॉस है जो कि मैंने बहुत थोड़ी सी डाली है सिर्फ टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। वेजिटेबल्स को डन करने के बाद अब चिकन को फ्राई कर लेते हैं। तो ये मैंने जो है ना लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं चिकन को फ्राई करूँगी ताकि ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए और बाहर भी जो है ना इसकी जो कोटिंग हमने की है उसमें अच्छा उस पर कलर आ जाए। अच्छा, ये चिकन जो है ना इतना मज़े का बनता है, इतना क्रंची और सॉफ्ट होता है ना, तो दिल चाह रहा होता है कि रेसिपी जो है ना उसको स्किप करें और ऐसे ही खा लें। तो बच्चे जो है ना वो भी उनका भी पूरी नज़र होती है और बस चुपके चुपके से वो ऐसे खा भी लेते हैं। वैसे सम टाइम जो है ना मैं ये बच्चों को बना भी देती हूँ, तो बच्चे बड़े शौक से केचप के साथ खा लेते हैं। चिकन डन हो गया है, अब कर लेते हैं ग्रेवी की प्रिपरेशन। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 ग्लास पानी। इसमें मैं ऐड करूँगी विनीगर और सोया सॉस, चिली सॉस, ये तीनों सॉसेज जो है ना वो 2 चम्मच के करीब जो है ना मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके साथ साथ जो है ना चिली गार्लिक सॉस जो है ये 2 चम्मच मैंने लिए हैं। आप कोई भी सॉस ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि चिली गार्लिक सॉस ही होना चाहिए। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है और इतनी ही क्वांटिटी में मैंने ब्लैक पेपर इसमें ऐड किए हैं। और ये 2 चम्मच जो है ना इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये बहुत ही ईजी मेथड है ग्रेवी बनाने का, और अगर आपको मिक्स करने के बाद जो है ना इसका कलर लाइट लगे ना, तो इसमें आप पेपरिका पाउडर जो है ना वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पेपरिका पाउडर जो है ना ये कलर को, रेड कलर को इन्हेंस करता है। इसके अलावा जो है इससे मिर्ची वाला फ्लेवर जो है ना वो नहीं इतना ज़्यादा होता, तो क्योंकि ये ग्रेवी जो है वो जितनी ज़्यादा रेड रेड हो उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए जो है इसमें आप पेपरिका पाउडर यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो ये हमारी ग्रेवी का मिक्सचर जो है ना बिल्कुल रेडी है। इसके बाद राइस जो है ना वो बॉईल हो चुके हुए थे, तो जो वेजिटेबल्स हमने सौते की थी वो सारी जो है ना मैं इस पे डाल के थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
एंड देन स्प्रिंग ऑनियन जो है ये डाल के इसको दम पे रख देंगे एंड दैट इज़ इट। ये ग्रीन चिलीज हैं जिनको मैंने जूलियन कट किया हुआ है और ये थोड़े से ऑयल में मैं इसको जो है ना हल्का सा सौते कर लूँगी, और क्योंकि हम चिली चिकन ड्राई बना रहे हैं तो चिलीज डालना तो फिर बनती थी ना। अब जो ग्रेवी का मिक्सचर बनाया हुआ था वो इसमें डाल के तो तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये थिक ना हो जाए, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया हुआ है ना तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो थिक होना शुरू हो जाएगा। इस स्टेज पे चिकन जो फ्राई करके रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे और हल्की फ्लेम पे ना इसको कुक करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल मिक्स ना हो जाए। इसको ज़्यादा भी कुक नहीं करना कि इसका जो चिकन है ना उसकी कोटिंग जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और इसका जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो है ये ऑमलेट बिल्कुल सिंपल, इसमें मैंने नमक और ब्लैक पेपर डाली है, इसको मिक्स किया है। ये मैंने राइस के लिए रेडी किया है ऑमलेट, तो ये डिपेंड करता है आप अगर चाहें तो बिल्कुल ऑमलेट को मिक्स भी कर सकते हैं या फिर इसकी इस तरह से पीसेस भी बना सकते हैं। तो क्योंकि हमारे घर में जो है ना वो सब बड़े बड़े पीसेस जो है ना वो एग्स के ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं इस तरह काट के तो इनको राइस पर डाल लूँगी। चले जी, राइस तो हो गए हैं डन और अब इसको हम कर लेते हैं डिश आउट। और चिली चिकन ड्राई जो है ये भी रेडी हो गया है, इसको भी मैंने डिश आउट कर लिया है। इसके ऊपर जो है ना वो थोड़े से मैंने जो तिल होते हैं ना वो डाल दिए हैं, तो इससे जो इसकी लुक देखने में भी अच्छी लग रही है और ये वैसे खाने में भी बहुत ही मज़े के मसाला बने थे और सबने बहुत शौक से खाए थे। तो मैं खाते हुए वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मेरी सिस्टर उनके बच्चे भी आ गए थे और फिर बच्चे जो है ना वो खूब हल्ला गुल्ला कर रहे थे, तो इसलिए जो है फिर मैंने इसी तरह से जो है आपके साथ वीडियो शेयर कर ली। और खाने से फ्री होने के बाद जो है बच्चों की मैंने आज ऑयलिंग वगैरह करनी थी, तो मैं वीक में जो है ना एक बार बच्चों के बालों में ऑयलिंग करती हूँ विंटर्स में। और समर्स में मेरा स्केड्यूल जो है ना बच्चों की हेयर केयर रूटीन का वो थोड़ा ओवर होता है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं बच्चों के बालों में मोस्टली जो है ना वो कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ और ये मैं किसी भी ब्रांड का ले लेती हूँ। फिलहाल जो है मैं वातिका का यूज़ कर रही हूँ और इसके अलावा और भी काफ़ी ब्रांड्स आते हैं, तो कोकोनट ऑयल जो है ना इसके इंटरनल एक्सटर्नल बहुत फ़ायदे हैं। जब से ये मैंने यूज़ करना शुरू किया है ना बच्चों के बालों की ग्रोथ और इनके बालों के का वॉल्यूम जो है ना वो बहुत अच्छा हो गया है और ये बालों के लिए अच्छा मॉइस्चराइज़र है। तो अगर बालों में डैंड्रफ है, फ्लेकी स्कैल्प है या स्प्लिट एंड्स और या हेयर ब्रेकेज है ना, जितने भी बालों के इश्यूज़ हैं ना, कोकोनट ऑयल जो है ना इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इससे बाल जो हैं वो स्ट्रॉन्गर, शाइनर एंड लॉन्गर होते हैं। तो जब मैं बच्चों के बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ ना तो फिर मैं एक बार ब्रश कर लेती हूँ ताकि बाल जो है ना वो टेंगल फ्री हो जाए, ताकि जो है ना बाद में भी ब्रश करने में आसानी हो। तो कोकोनट ऑयल का जो है ना एक और मुझे बहुत फ़ायदा लगता है क्योंकि ये स्टिकी और वो होते हैं ना जैसे बाल हम वॉश करते हैं तो जल्दी जो है वो रिंस ऑफ नहीं होता, तो ये बहुत जल्दी जो है ना बालों में से निकल जाता है। इससे भी बच्चे इरिटेट नहीं होते तो बच्चे ना फिर लगवा लेते हैं ऑयल। और अब इसी तरह अजान के भी मैं ऑयलिंग कर दूंगी और जितनी केयर मैं हिरा की करती हूँ ना उतनी ही अजान की, ऐसा नहीं है कि मैं इसको इग्नोर कर देती हूँ। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब बॉयज़ थोड़े बड़े हो जाते हैं, इस स्टेज पे आ जाते हैं ना, तो हम बच्चों को बॉयज़ को ख़ासतौर पर ना थोड़ा इग्नोर कर देते हैं और गर्ल्स को ज़्यादा सेंसिटिव बना के रखा होता है और उनकी ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो बच्चों की ऑयलिंग करने के बाद एक घंटे बाद बच्चे नहा लेंगे, तो बच्चों के लिए ना ज़्यादातर मैं किड शैम्पूज़ ही यूज़ करती हूँ क्योंकि अडल्ट शैम्पूज़ जो होते हैं ना उनके फार्मूलाज़ अडल्ट के हिसाब से बने होते हैं और केमिकल्स ज़्यादा होते हैं, जबकि बच्चों के बाल जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं ना, तो अगर हम वो यूज़ करें तो उससे बच्चों के बाल जो हैं वो डैमेज होने का डर भी होता है। तो ये एक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होती है जो बच्चों के बालों के लिए सेफ होती है। ये मुख्तलिफ जो है ना ब्रांड्स के शैम्पूज़ हैं जो कि मैंने थोड़े थोड़े ही यूज़ किए थे,
और इसके अलावा जो है ना कंडीशनर यूज़ करती हूँ जॉनसन्स का। लेकिन जो सबसे मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है ना वो ये सॉफ्ट किड्स शैम्पू है, ये सबसे अच्छा है। और इसके अलावा एक कोडोमो, सेम यही फॉर्मूला है उसका, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है शैम्पू। बाकी ये जो शैम्पूज़ है ना, ये जो छोटी बॉटल्स वाले, इससे जो है ना बच्चों के बाल इतने अच्छे से वॉश नहीं होते, तो बट ये जो सुआव और कोडोमो शैम्पू है ना, इससे बहुत अच्छे बाल बच्चों के साफ़ हो जाते हैं। और जब हेरा के बाल जो है ना थोड़ी देर के बाद ड्राई हो गए थे ना, तो मैंने इसके बालों में एलोवेरा जेल जो है ना वो अप्लाई की है, बहुत थोड़ी सी। और ये मेरे पास ओरियोर की एलोवेरा जेल है, और ये मेरी दूसरी बॉटल है, बहुत ही अच्छी रही है ये जेल भी। तो ये कभी भी जो है बालों में लगा लेना, तो जस्ट जैसे आप सिरम लगाते हैं ना वैसी ही शाइन ये बालों में देती है। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद ना बाल माशाल्लाह इतने अच्छे और बिल्कुल टैंगल्ड फ्री और ग्लॉसी लुक आ रही है बालों की। और मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करने लगी हूँ कि मैं हिरा की मोस्टली यहाँ से फ्रंट से कटिंग रखती हूँ। इसका ये बड़ा फ़ायदा होता है कि एक तो बाल अगर जब हम बच्चों के बिल्कुल पीछे तक खींच के पोनी बनाते हैं ना, तो बच्चों का फोरहेड जो है ना वो थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है और आगे से बाल ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे क्या है कि जब दिल चाहे आप इनको फ्रंट से साइड पे करके पिंस भी लगा सकती हैं, और कभी इनको ऐसे भी रख सकते हैं। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।